वेलकम बैक माय चैनल। ब्लॉग की स्टार्टिंग की है मैंने अभी शाम के 5 बजे से, अभी 5 बजे हुए हैं। मैं लेट गई थी। आज क्या हुआ जैसे कि पता है तो आज संडे है, तो मैंने क्या किया, आज काम करके मुझे वानी को लेके जाना था मार्केट, तो मैं और वानी मार्केट चले गए। तो वानी के लिए वहाँ से ना थोड़ा सा वानी को अपने लिए कॉट वगैरह, वानी को वैली चाहिए थी, कॉट वैली, और वानी को डेनिम जैकेट और जीन्स वगैरह, एक फैंसी जैकेट उसे चाहिए थी, लेकिन उसे समझ नहीं आई कहीं से। बाकी मैंने अपने लिए वुलन में कुछ भी नहीं लिया है, बस मैंने एक सूट जरूर लिया है, वो उनके साथ में कल दिखाऊंगी। मैं आपको नेल पेंट लाई हूँ, सूट लाई हूँ, बस बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो मैं चली गई थी वानी को लेके मार्केट, तो वहाँ से आए काफ़ी, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। मार्केट में जाते हैं तो मतलब टाइम लग ही जाता है। तो फिर वहाँ से आए, फिर आके हमने खाना वगैरह खाया, चाय वगैरह बनाई थी। तो अभी ना 5 बज चुके हैं जैसे मैंने बताया आपको, तो मैं अब जाऊँगी किचन में, फिर चाय बनाऊँगी एक बार, फिर देखती हूँ शाम के खाने की मैं तैयारी कर लेती हूँ कि क्या बनेगा, क्या बनाऊँ मैं शाम को, क्योंकि दिन में आज मैंने बनाए थे दाल चावल और रोटी, नहीं सॉरी बोल गई मैं, दाल मुँह से निकल गई, मैंने बनाए थे छोले चावल और रोटियां। और वहां से आने के बाद तो मतलब शरीर ऐसा हो गया, मेरे सर में जैसे कि पता नहीं, जैसे ऑटो से गए ना हम, तो पता नहीं हवा लगी होगी शायद सर में, तो थोड़ा सा दर्द टाइप से हो गया था, मुझे आंखें मेरी बंद हो रही थी तो इसलिए मैं लेट गई थी। तो आज की संडे के दिन तो मेरी वीडियो अब जाएगी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ शूट नहीं किया है, यहीं से मैंने अपना स्टार्ट किया है। बाकी मैं आज वानी से ऑयलिंग कराऊंगी। मैंने कल फिर ना ऑयलिंग भी नहीं कराई थी अपने बालों में, वो इसलिए नहीं कराई थी मैंने ऑयलिंग, बार बार बाहर इसलिए देख रही हूँ ना, कोई इधर से निकलते रहते हैं ना लोग तो नज़र पड़ जाती है तो मैंने पता है ऑयलिंग इसलिए नहीं कराई, क्योंकि आज जैसे कल कल लगाया था मैंने अपने बालों में हेयर पैक, तो शाम को करानी थी मुझे, लेकिन फिर वो हो गया कि मैंने कहा चलो कल सर ना धो के, मौसम सर्दी का है ऐसे, तो बाल तो मेरे बिल्कुल साफ थे, देखे बिल्कुल क्लीन थे, तो मैंने कहा चलो मैं ना फिर अपने बालों में मैंने कहा ऑयलिंग आज करा लूँगी संडे को, क्योंकि फिर मार्केट भी जाना था, इसीलिए मैंने ऑयलिंग नहीं कराई थी, और मैंने कहा मैं हाँ आज करा लेती हूँ संडे को शाम को। तो आज मैं वानी से ऑयलिंग करा लूँगी पहले, और फिर कल मंडे है तो कल मैं अपना हेयर वॉश कर लूँगी। कुछ कपड़े हैं शायद कल धुलने के लिए, जो हाथों से धुलेंगे वो कपड़े मैं धो लूँगी, वानी के जो नए कपड़े आए हैं वो इजी से धोने पड़ेंगे मुझे, तो मैं वो भी धोऊँगी। और अभी जाऊँगी किचन में, पहले बनाऊँगी चाय अपने लिए अच्छी सी, एक पानी भी लेगी चाय, फिर सब्जी का देखती हूँ क्या है। आज मन नहीं है मेरा सब्जी वगैरह कुछ करने के लिए, आज मन कर रहा है कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊँ, लेकिन चावल भी नहीं बना सकती मैं, अब चावल भी नहीं बनेंगे, क्योंकि चावल इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि सुबह तो बने ही थे ना चावल, पहले मैंने सोचा कि मैं चावल बना लेती हूँ अभी, लेकिन फिर मेरे ध्यान में आया एकदम से कि चावल तो मैंने सुबह ही बनाए थे, चावल नहीं बनेंगे। बहुत मतलब सर्दी में यही है, मैं आगे फिर ना कंबल में घुस गई थी, और कंबल में घुस जाऊँ ना एक बार तो निकलने का मन नहीं करता है। अभी कुछ खास काम है नहीं मुझे, अब तो बर्तन वगैरह होंगे शाम को और खाना बनेगा, तो जाती हूँ मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद खाने की देखते हैं, बच्चों से पूछ लेते हैं क्या खाएंगे, और मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो यहाँ पर आदि अपनी साइकिल निकाल के साइकिलिंग के लिए जा रहा है, वाणी जा चुकी थी फिर ये निकल गया, इसने अपनी साइकिल बाहर निकाल दी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है, डे है आज मंडे, वाणी कॉलेज जा चुकी है और आदि गया साइकिलिंग करने के लिए, और अभी देखिए क्या मैंने नुकसान कर लिया, ये देखिए ये मेरा क्लचर था एक, और मेरे को ना इससे मैं अपना बन बना रही थी और ये टूट गया, और जिसमें कि मैं कल मार्केट भी गई और मुझे लेके भी आने थे क्लेचर, मैंने वहां पे देख भी लिए, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे वो बात निकल गई और मैं लेके भी नहीं आ पाई, और आज ये देखिए सुबह सुबह इसके बिना मेरा काम कैसे चलेगा, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो सब्जी सॉरी मैंने पराठे बनाए हैं, सब्जी बनाई है, सब्जी बनाई है मैंने आज आलू गोभी की, और तो नाश्ता उन्हीं का होगा, आधी दूध या बिस्किट ले लेगा, वानी अपना टिफिन पैक करा के ले गई है। और मैंने कल वानी से शाम को बहुत सारी ऑयलिंग कराई थी, क्योंकि कल ना मार्केट गए थे, मेरे सर में दर्द वगैरह भी बहुत हो गया था, तो ये देखिए मैंने बहुत ऑयलिंग की है, मतलब ऑयलिंग क्या कराई मैंने, उससे एक ऑयल पैक ही लगवा लिया एक तरीके से बताऊँ, काफी सारा जो मैंने अपना ऑयल बना के रखा था ना सरसों का तेल वाला और वो रीठा आंवला वाला, उसी से मैंने बहुत सारी बहुत अच्छे से ऑयलिंग करा ली है। और अभी मुझे पहले करना है योगा, उसके बाद करना है मुझे अपना नाश्ता, चाय वगैरह लूंगी मैं, और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैं फटाफट से अपने काम पे लग जाऊंगी, सारा काम करना है मुझे और अपना। और एक बार मैं अपना सूट भी दिखा देती हूँ कि जो मैं सूट लेके आई थी, मैंने कल बताया भी था ना कि मैं सूट लेके आई हूँ, तो वो सूट भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो ये देखिए इसको रख देते हैं इधर, फिर दिखाती हूँ मैं आपको,
देखिए आज मौसम बहुत ठंडा हो गया हमारे इधर। आज हवा चल रही है ठंडी और हवा से काफी ठंड बढ़ जाती है। तो देखिए ये कलर का सूट है और ये इसका नेक है, ये देखिए इस टाइप का। मुझे उसकी शॉप पे कुछ खास सूट पसंद नहीं आए, ये मुझे पसंद आ गया इसलिए क्योंकि इसमें ना इसका तो एक तो कपड़ा अच्छा है, विदाउट लाइनिंग है ये। मतलब मुझे ना विदाउट लाइनिंग के सूट काफी सही लगते हैं क्योंकि लाइनिंग वाले कपड़ों की फिटिंग मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगती। मजबूती तो हो जाती है, हालांकि अगर मैं चाहूँ तो इसमें भी लगा सकती हूँ, लेकिन ये थोड़ा मतलब शाइनिंग वाला कपड़ा है इस टाइप का। तो मेरे को वहां ज्यादा उस दुकान पे जहां पे मैं गई थी ना उस शॉप पे सूट बहुत सारे थे, लेकिन सूट ना मुझे कुछ खास समझ नहीं आए। सबके गले जो थे सबके गले पे मतलब कढ़ाई या फिर एम्ब्रॉयडरी वगैरह का सारा वो सिप्पी वर्क था, तो उस टाइप के थे सारे। तो मुझे क्या चाहिए था इसका गला, हालांकि सिंपल है, मुझे चाहिए था कि मुझे गला आगे से बना हुआ ना मिले, क्योंकि फिर आगे से मैं अपना गला मैं बॉटनेक रखती हूँ ज्यादातर, और ये तो इसमें गला तो बना हुआ है इसलिए। बस मुझे थोड़ा ये समझ में इसलिए आ गया क्योंकि इसके ना कलर जो है थोड़ा डिफरेंट है। मेरे पास ना इस टाइप का ये कलर का सूट नहीं था। बॉटम इसकी ये है प्लेन में, इसका प्लाजो पैंट बनाऊंगी कि प्लाजो बनाऊंगी देखती हूँ। तो ये है और इसका दुपट्टा ये है इस टाइप का। और मैंने क्या जैसे कि ये दुपट्टा है ना, जो मेरा एक दुपट्टा और मैं सूट लेके आई थी अभी कुछ टाइम पहले, जो ऑरेंज कलर का है थोड़ा सा, उसका दुपट्टा भी कुछ कुछ इस कलर से मिलता जुलता है, लेकिन वो थोड़ा हैवी है, उसकी रेंज ज्यादा है और इसकी कम है, तो इसका दुपट्टा थोड़ा लाइट ही है। और अभी मैं चलती हूँ फटाफट कर लेती हूँ योगा अपना, थोड़ा सा 10-5 मिनट में अपने योगा को देती हूँ कि वो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर रह जाता है। और अपने बालों के लिए देखती हूँ मैं क्या लगाऊँ इनमें, क्योंकि क्लेचर मेरे पास अब छोटे वाले हैं, बड़ा क्लेचर मेरे पास कोई नहीं है, और मेरे बाल जैसे थोड़े से लंबे हैं ना, तो अभी तो इसमें फोल्ड करके लगाती हूँ, तो उसके लिए मुझे बड़ा ही क्लेचर चाहिए। देखते हैं अगर मिल जाता है तो, कोई क्लेचर तो बहुत है मेरे पास, तो इसे खोल कर देख लेते हैं पहले इसके अंदर है कि नहीं है। वो तो टूट गया है आपके सामने, या बाहर की तरफ कोई पड़ा है, तो कोई ये क्लेचर तो मुझे चाहिए ही चाहिए होगा। तो ये नेल पेंट बाहर पड़ी हुई थी, इसको मैंने उठा लिया, मैंने कहा अंदर रख देती हूँ। यहाँ तो पानी के पड़े हैं, रबड़ बैंड वगैरह हैं इसकी, ये क्लेचर तो हैं बहुत सारे लेकिन छोटे हैं ये, मतलब ये पता नहीं बालों में सेट होंगे कि नहीं होंगे। ये सब नेल पेंट है मेरी, देखिए ये वाली नेल पेंट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो आती है, मतलब एक ये रेडिश कलर है, चेरी कलर बोल सकते हैं, बहुत सुंदर कलर है, बहुत ही प्यारा लगने के बाद लगता है। और इसको कर देते हैं इधर अंदर, और ये देखिए एक नेल पेंट हो रही है वाली। ये वाली मुझे बहुत पसंद थी पहले, जब मतलब शादी से पहले मैं ये नेल पेंट बहुत लगाती थी, बहुत ज़्यादा इस टाइप की। अब तो मन नहीं करता, अब तो डार्क कलर ही लगाती हूँ। और यहाँ से उठा लेते हैं कोई क्लेचर एक मिल जाए तो। और ये मेरा रोज़ वाटर है, सॉरी रोज़ ऑयल है। ये सब सामान ऐसे ही फैला हुआ है, ये मैंने लगाया नहीं है, सब इसके अंदर ऐसे भरा हुआ पड़ा है। मैं अपनी ड्रिंक्स वगैरह भी यहीं पर डाल देती हूँ निकाल के, जब रात को सोने से पहले। और ये मिल गया, एक मिला है ये पिंक कलर का, इसे निकाल लेते हैं बनाना क्लिप, तो इसको यूज़ कर लेते हैं पहले। ये चला जाएगा थोड़ा, इससे कम चला ये मिल लेंगे गया अभी है फिर। कुछ इस टाइप का और इसी से काम चला लेते हैं अभी। अभी मार्केट का, जैसे मैं मार्केट अभी गई थी तो अभी मैं नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मेरा चक्कर मार्केट का बहुत जल्दी से लगने वाला है। अभी नहीं लगेगा, अभी तो मुझे टाइम लगेगा। मेरे पास क्लेचर नहीं है, मैं कैसे करूंगी, बड़े वाले क्लेचर चाहिए, छोटे क्लेचर से मेरे बाल ना होते नहीं है। अभी फिलहाल तो मैंने ये यूज कर लिया है। अब देखती हूँ यहीं कहीं पास की शॉप से, अगर मार्केट रोड की तरफ गई ना, अगर रोड पर गई ना कोई सामान लेने के लिए, तो फिर देखती हूँ। तो बात हो गई बहुत सारी आपसे और अब मैं जाती हूँ अपना काम निपटा लेती हूँ। तो पहले योगा कर लेते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। तो ये वाली क्लिप ना मार्केट की है, यहाँ पे से मैंने मार्केट से ली थी सॉक्स। मैंने कहा चलो आए हैं तो सॉक्स ले ही लेते हैं, फिर पता नहीं चक्कर कब का कब लगेगा। मार्केट ना घर से थोड़ा दूर पड़ जाती है, इसीलिए तो मैंने यहाँ से इससे 5 पेयर दी थी इसने मुझे 100 में, सही थी। और यहाँ पे वानी ने अपने
आजकल मैं अपने हाथों पे, वेलकम बैक कहना भूल गई मैं आपसे। आजकल मैं अपने हाथों पे रात को क्या यूज करती हूँ, मैंने जो रोज ऑयल और ऑरेंज ऑयल दो चीजें मैंने ऑर्डर की थी, तो मैं रात को वो लगाती हूँ क्योंकि सर्दियों में हाथ बहुत बेकार हो जाते हैं, ऐसे बिल्कुल रूखे रूखे से हो जाते हैं, कितना भी इनको मॉइस्चराइज कर लो फिर भी ऐसे हो जाते हैं। तो मैं देखती हूँ उसके, मतलब उसके अच्छे रिजल्ट बताए हैं, तो मैंने कहा चलो रात को तो ट्राई करते हैं। और नहा के तो मैं, कोई भी मॉइस्चराइजर होता है, अब की बार ये दूसरे ब्रांड का ले आए, हनी आमंड वाला है, हालांकि अच्छा होता है, तो ये भी लगा लेती हूँ अच्छे से पूरे पैरों पे यहाँ पर, क्योंकि फिर ना अगर जैसे कि गर्म पानी से हम नहा के आते हैं तो फिर खुजली हो जाती है पैरों में, बहुत इचिंग सी होती है मुझे तो इसीलिए नहा के ये तो मैं जरूर लगाती हूँ अपनी लेग्स पे, नीचे नीचे तक, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है सर्दियों में, ये कि काम बढ़ जाता है, मतलब अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने वाला जो ये काम है ये बढ़ जाता है, कई बार तो झंझट सा लग जाता है। हालांकि लगाने से फिर ये है, थोड़ी देर का जरूर लगता है मैं करने में, लेकिन ये है एक बार लगा लेते हैं ना तो उसके बाद स्किन अच्छी रहती है, फिर फटते नहीं है हमारे पैर, क्रैक्स नहीं आते हमारे पैरों में, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। सारा काम से निपट के, सारे काम से फ्री होके आज मैंने कुछ कपड़े हाथ से भी धुले हैं, तो अब मैं ऊपर से आई हूँ और आदि गया है नहाने के लिए, वो नहा रहा है, अभी वो नहा के आएगा फिर उसको खाने के लिए देखती हूँ। आलू गोभी बनाई है मैंने आज, पराठे बनाए बने हुए हैं, क्या खाएगा, और मैं शायद चाय लूंगी। सोच तो रही थी मशीन का काम करने के लिए, पता नहीं क्या है, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे जहां मेरी मशीन रखी है ना, सिलाई मशीन रखी है, तो वहां पे ना अंधेरा हो जाता है, मतलब क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम वैसे है, दिन बहुत जल्दी जल्दी बीतता है, तो उस जगह पे थोड़ा सा अंधेरा रहता है, मतलब इतना अंधेरा, मतलब इतना अंधेरा नहीं रहता, लेकिन ऐसा होता है कि जब मतलब सिलाई ना कर पाए बंदा, मतलब अच्छी सिलाई के लिए तो अच्छी खासी रोशनी चाहिए ना, और अगर मैं उसे वहां से हटा के कहीं और पे रख दूं, तो आज हवा चली हुई है ऊपर बहुत ज्यादा, तो बरामदे तक तो हवा आएगी आएगी वहां तक, इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं तो वैसे ही हाथ पैर से फट जाएंगे, और पहले जो पुराने कपड़े पड़े हैं ना, जो मुझको ठीक करने हैं, मुझे वो पहले मैं उनको ठीक करूंगी, उसके बाद ही मैं नए सूट की कटिंग करूंगी, उसको मैं बाद में काटूंगी। और अभी आदि को ही देख लेते हैं, बस अभी आदि आने वाला है, उसके बाद देख थोड़ा टाइम निकाल के अपनी वीडियो एडिट करूंगी, क्योंकि मेरी कल कोई वीडियो नहीं गई थी, आज तो सोच रही हूँ कम से कम आज तो मैं डाल ही दूं, संडे में तो मेरी कोई वीडियो गई नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया था आपसे मैं मार्केट चली गई थी, और छोटा व्लॉग जाएगा मेरा ये वाला, ये वाली वीडियो छोटी जाएगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें आप, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जी चलते हैं, और इस वीडियो का यहीं एंड कर देते हैं। आज मैंने हेयर वॉश भी किया है, देखिए जो मैंने बालों पर रेमेडी अप्लाई की थी, अभी सूखने के बाद मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, अभी तो गीले हैं सारे बाल मेरे। तो जी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, कुछ अलग सी रेमेडी लेके या कुछ अलग करेंगे, आज मैंने आपको अपना रूटीन वगैरह कुछ भी शेयर नहीं किया। अब देखिए ना, देखिए यहाँ से बालों पे शाइन देखिए आप, इस जगह से ये शाइन आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी शाइन आई है, इधर देखिए बहुत अच्छी शाइन आती है, जैसे कि एक कई बार हम कलर जैसे मेहंदी लगाएंगे, खाली मेहंदी लगाते हैं ना, तो उसकी रेडिश रेडिश हो जाती है, इसकी नहीं होगी, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया, जैसे कि हमने कोई कलर ही लिया हो अपने बालों पे। तो जी ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं, इसके बाद देखते हैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे आज का कि नहीं करेंगे या क्या करेंगे, कुछ नहीं पता अभी तो, अभी बाद में देखती हूँ वो सब, पहले इस वीडियो की एडिट करूंगी बैठ के, एडिटिंग करूंगी बैठ के, आराम से टाइम लग जाता है, देखो बहुत थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्लिप को निकालना, सब सेट करना, देखने में आसान लगता होगा कि भाई फटाफट फटाफट हो जाता है, लेकिन हाँ एडिटिंग में थोड़ा टाइम देखो लग जाता है। तो प्लीज वीडियो को, एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, वीडियो को प्लीज लाइक जरूर किया करें, और वीडियो को फुल वॉच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में।